फसाहत डे सेलिब्रेशन आज 25 जनवरी दिन इतवार को मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में मनाया गया। आज सुबह सबसे पहले कुरान खुवानी कराई गई, उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत हुई। यह प्रोग्राम माइनॉरिटी ट्रस्ट फिरोजाबाद के द्वारा कराया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहीं अनम अकाशा, जिला वुमेन वेलफेयर ऑफिसर फिरोजाबाद, और संजय कुमार पांडे, एसएचओ थाना दक्षिण फिरोजाबाद रहे। स्पेशल गेस्ट रहे कुलदीप सिंह बग्गा, डॉक्टर ज्योति जैन, डॉक्टर शहरयार अली। फसाहत डे पर एक अवार्ड दिया जाना था। इस अवार्ड के लिए इससे पहले कंपटीशन परीक्षा कराई गई, जिसमें 77 छात्राओं ने फॉर्म भरे। परीक्षा में 62 छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रथम आने वाली छात्रा को माइनॉरिटी ट्रस्ट फिरोजाबाद के द्वारा 10,000 रुपये की धनराशि छात्रा की आगे की पढ़ाई के लिए दी गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हकीमुद्दीन फ़हीम उर्दू शायर व लेखक रहे। उन्होंने 22 किताबें उर्दू अदब और मुस्लिम कल्चर पर लिखी हैं। यह बेसिक स्कूल में टीचर थे और इन्होंने बच्चों की तालीम के लिए बहुत योगदान दिया। फसाहत मीर खान अवार्ड की विजेता रहीं अरूबा वासी, इनको माइनॉरिटी ट्रस्ट के द्वारा 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। वहीं कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। जिन्होंने पेपर में हिस्सा लिया था वो सभी आ जाइए। अगर सर्टिफिकेट दिया तो उनका स्वागत करें। नाज़िम अली साहब और सैन वो किसी भी परेशानी में हमारे आखिरी पड़ाव में 60 लाख में 60,000 कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा है ये आप समझ। और ऐसे कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको यकीनी तौर पे मुकम्मल बनना पड़ेगा तालीम के अतबार से। मेरा नाम अनम है और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में एज अ डिस्ट्रिक्ट वुमेन वेलफेयर ऑफिसर बतौर कार्य कर रही हूँ। आपके समाज में मतलब सेवा दे रही हूँ। आपकी एक ऐसे मैं खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ जो आपके लिए सबके लिए कार्य कर रही हूँ। और मेरा जो काम है बेसिकली टू अपलिफ्ट द वुमेन ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली द वुमेन बट टू एनहांस द गर्ल्स, बेसिकली दोज गर्ल्स हु आर देयर इन देयर हाउसेस behind the walls of their houses, they are not coming outside. वो बाहर नहीं आ रहे हैं for education, for skill, or for any other thing. Even अपनी बात को आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं. So we are striving for that. और अगर मैं यहाँ आई हूँ तो एक education institute में मुझे लगता है कि बात बहुत important है कि ये बात आपके बीच में रखी जाए कि education is just not अंत में माइनॉरिटी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट ताहिर मीर खान ने सभी गेस्ट के शुक्रिया अदा किया। और बाबू जी की एक तमन्ना भी थी, एक ख्वाहिश भी थी, वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से मौलाना आजाद डिग्री कॉलेज बने। लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, शायद उसमें बाबू जी भी थे कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। माइनॉरिटी ट्रस्ट ने जब ये अवार्ड दिया और सोचा तो उसके पीछे एक सोच ये भी थी कि हम एक डिग्री कॉलेज तो नहीं बना सकते, और जब बनाएंगे इंशाल्लाह एक वक्त लग सकता है, कोशिश है, हिम्मत है, और ये ख्वाहिश भी है कि इंशाल्लाह एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये सोचे कि क्यों ना एक ही सही किसी एक बच्ची को जो ग्रेजुएशन कर रही हो, डिप्लोमा कर रही हो, उसको पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए, उसको पढ़ाया जाए। तो इसीलिए इस अवार्ड की जो नौइयत है, इस अवार्ड की जो तरतीब है, वो ये है कि इसमें जो बच्ची ग्रेजुएशन कर रही होती है उस बच्ची को ये हर साल अवार्ड दिया जाता है। इस साल जो अवार्ड अरूबा को मिला है
मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर आई तमाम बच्चियों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ जब अपने यहाँ लौटें तो अपनी फ्रेंड्स में, अपनी बहनों में, अपने सर्किल में ये ज़रूर तबसरा करें, ये ज़रूर बताएं कि हम एक अवार्ड में गए थे और वहाँ पर अवार्ड मिला था। तो जिससे ये हमारी जो सूचना है, हमारा जो संपर्क है, तो और लोगों तक चला जाए। वैसे तो अल्पसंख्यक समाज के जो और हिस्से हैं, जो और समाज हैं, जैसे हमारे बीच आदरणीय बग्गा जी, आदरणीय बहन जो है ज्योति जी, और भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये चाहूँगा कि आगामी वर्ष में माइनॉरिटी ट्रस्ट जब अवार्ड देने की घोषणा करे और फॉर्म भरवाए, आपके समाज से भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज स्कूल के अंदर फसाद से बनाया गया है, आपका आगमन हुआ चीफ गेस्ट, किस तरह का प्रोग्राम था और क्या कहना चाहेंगे इस डे के बारे में? ये जो एक फसाहत डे बतौर जो आज मनाया गया है यहाँ मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में, इस डे के साथ मेरा एक मैसेज रहेगा यहाँ के सारे स्टूडेंट्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट की सारी गर्ल्स को स्पेशली, कि वो एजुकेशन के दायरे को लिमिटेड ना रखें, कॉम्पिटिशन्स और स्किल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ें, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन हमारी सिलेबस तक नहीं होती है, उसको हमें अपने एथिक्स और नॉर्म्स के साथ भी आगे बढ़ाना होता है। और हर सिटीज़न का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सिवाय अपने ग्रूमिंग के, अपनी कम्युनिटी की भी ग्रूमिंग का हिस्सा बने। आज फसाद मीरखा अवार्ड 2024 द्वितीय एडिशन का समापन हुआ है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि अनम आकाशा जी, संजय कुमार जी, शहरयार अली साहब, वसीमुद्दीन अंसारी साहब, ज्योति जैन, बग्गा जी, इनके हाथों ये अवार्ड दिया गया। मैं उस बच्ची को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिसने फसाद मीर खां अवार्ड 2024 जीता। उनके परिवार को और तमाम लोगों को जिन्होंने फसाद मीर खां अवार्ड कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मैं विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समाज के जो और समाज हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मैं इनसे ये चाहता हूँ कि ये अवार्ड केवल मुस्लिम तक ना रहे, इसका दायरा केवल मुस्लिम बच्चियों तक ना रहे, ये अवार्ड आपके समाज में भी जाए, आपकी बच्चियों को भी मिले। इसके लिए आगामी साल में माइनॉरिटी ट्रस्ट फसाद मीरखां अवार्ड की जब घोषणा करेगा तो मैं आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहता हूँ कि आपके समाज से बच्चियाँ फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम क्रैक करें और विजेता बने। आज के कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों का, विशेषकर प्रमोद शर्मा जी, अफजाल सर, बीटू सर, नजीब, असद सर, हमज़ा, इन तमाम लोगों का, इस टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में पैम्पलेट बटने से लेके और अवार्ड घोषित होने तक जो सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद।